आजमगढ़ जिले के मेहनगर थाना क्षेत्र में एक युवती को दो बाइक सवार बदमाशों द्वारा गोली मारकर घायल कर दिया गया। घटना का कारण अभी तक स्पष्ट नहीं है, लेकिन पुलिस के मुताबिक हमलावरों की गिरफ्तारी के लिए टीमें लगा दी गई हैं। वह युवती की हालत की गंभीरता को देखते हुए उसे वाराणसी रेफर कर दिया गया है। पुलिस के मुताबिक मेहनगर थाना क्षेत्र के खड़गपुर गाँव की रहने वाली सुधा सिंह रात को शौच के लिए निकली थी और वापस आते समय दो बाइक सवार बदमाशों ने उसे गोली मार दी जो उसके बांह में लगी। घटना को अंजाम देने के बाद बाइक सवार बदमाश फरार हो गए। हालांकि पुलिस अधीक्षक नगर सुभाष चंद्र गंगवार ने बताया कि लड़की ने पुलिस को जो बयान दिया है उस हिसाब से उसकी किसी के साथ कोई दुश्मनी नहीं है और न ही कोई छेड़खानी की घटना हुई है। फिलहाल पुलिस सभी मामलों को ध्यान में रखकर आगे की जाँच शुरू कर दी है और उम्मीद है कि जल्द ही आरोपी सलाखों के पीछे होंगे। मेहनगर थाना के अंतर्गत एक खड़गपुर गांव पड़ता है। कल शाम की घटना है। एक लड़की जो कि साथ की शौच के लिए गई थी और जब शौच से लौट रही थी तो उस समय उसके द्वारा बताया गया कि एक मोटरसाइकिल भी तुम लड़के आए और उन्होंने फायर कर दिया जो उसके कंधे पे लगा है। उसको सदर अस्पताल लाया गया था और बेहतर इलाज के लिए उसे बनारस भेजा गया है और कोई भी इसमें अभी बात प्रकाश में नहीं आ रही है। जब उससे पूछताछ की गई थी कि आपको गोली मारने का कोई रीज़न वीजन है, तुम्हारे साथ कोई छेड़खानी हुई है, तो उसके द्वारा बताया है कि हमारे साथ कोई छेड़खानी की नहीं हुई और अचानक आकर गोली मार दी है। अभी इसमें पुलिस ने 307 में अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है और छानबीन की जा रही है। सारे पहले पर हम लोग छानबीन कर रहे हैं और शीघ्र इस घटना का अनावरण कराया जाएगा। अभी जब उसके पिता से भी बात की गई तो वो भी कोई रंजिश के बारे में नहीं बता रहे हैं, लड़की भी कोई छेड़खानी की बात नहीं बता रही है। तो इसको हम लोग देखवा रहे हैं कि क्या मैटर हो सके।